छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए ग्राम मुखरम और आसपास के जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुई। अभियान के दौरान ग्राम एक संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा बलों को अपनी ओर आते देख छिपते हुए भागने लगा। उसे सुरक्षा बलों ने घेर कर पकड़ लिया। उसके पास मौजूद बैग की जांच करने पर उसमें करीब 2 किलो का एक टिफिन बम बरामद किया गया है। साथ ही 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों नक्सली संगठन के लिए काम करते हैं। गिरफ्तार संदिग्धों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। तीनों नक्सलियों के खिलाफ विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सुकमा से विजय पचौरी की रिपोर्ट।